जगन गुर्जर ने आत्मसमर्पण करने के बाद मीडिया को बताई सच्चाई। नमस्कार, आपका स्वागत है द सुगंबर। जी हाँ, अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। आत्मसमर्पण करने के बाद एक बातचीत के दौरान भारत के कैमरे पर डकैत जगन गुर्जर ने कहा, मैंने महिलाओं को निवस्त्र कर गाँव में नहीं घुमाया। जी हाँ, पुलिस के दबाव को देखते हुए बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के मुगलपुरा के जंगलों में 40,000 के इनामी डकैत जगन गुर्जर ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। दस्यु के आत्मसमर्पण करने के बाद अब डांग और संबल के बीएड़ों में थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। पुलिस द्वारा विशेष टीम गठित कर डांग क्षेत्र में लगातार कॉम्बिंग कर चर्च अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस के दबाव को देखकर डकैत भयभीत तो हो चुका था। पुलिस की स्पेशल टीम ने सदर थाना क्षेत्र के मुगलपुरा के जंगलों में जगन डकैत की घेराबंदी की। पुलिस टीम से अपने आप को घिरा हुआ देख डकैत ने आत्मसमर्पण कर दिया। डकैत के कब्जे से पुलिस ने 315 बोर की राइफल के साथ करीब आधा दर्जन जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। धौलपुर पुलिस ने डकैत जगन को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने संभावना व्यक्त की है पूछताछ के दौरान बड़ी बड़ी वारदाताओं के भी खुलासे हो सकते हैं। जी हाँ, और मीडिया के बातचीत के दौरान जगन गुर्जर ने की बात। आत्मसमर्पण के बाद जगन गुर्जर ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि मेरे साथ 12 जून को बाड़ी कस्बे में अस्पताल के सामने मारपीट की गई थी। मारपीट में मेरा सिर पर चोट आई थी, इसलिए मैंने बदला लेने के लिए सुबह बाड़ी कस्बे में पिटाई कर दहशत फैलाई थी। वहीं बाड़ी कस्बे के एक गाँव में जो महिलाओं ने मुझ पर निवस्त्र कर घुमाने के आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं। मैंने सिर्फ मारपीट की थी, उस परिवार से मेरी पुरानी रंजिश है, लेकिन उस परिवार को कुछ लोगों ने भड़का दिया और उन्होंने मुझ पर गलत आरोप लगाए। वहीं डकैत जगन ने कहा कि महिलाओं को निवस्त्र करने और अमानवीय यातनाएं देने से पूर्व मैं खुद मर जाऊंगा, लेकिन ऐसी गलत हरकत नहीं कर सकता। अपराध के छोड़ने के सवाल पर कहा कि जो मुझे मारेगा मैं उसे मारूंगा। डकैत जगन ने कहा कि अपराध वो होता है जिसमें लूटपाट की जाती है। साथ ही दस्यु जगन ने कहा, हमेशा समाज की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जो मेरे साथ बदले लेने की भावना रखेगा तो उसको मैं जवाब दूंगा।